हिंदी की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियोज़ की जानकारी भी आपको मिलती रहे इसके लिए घंटी भी दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स की आज की सीरीज़ के अंदर। मैं हूं आपका दोस्त आदि गणेश। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और सभी मित्रों को शेयर किया करें। चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्नों की। पहला प्रश्न है, हाल ही में न्यायपालिकाओं के बीच आपसी सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो मोरक्को के साथ समझौता किया है न्यायपालिकाओं के बीच आपसी सहयोग हेतु। दूसरा प्रश्न है, किस राज्य में पहला निवेशक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? जम्मू कश्मीर में। अगला है, हाल ही में समुद्री मार्ग यात्रा के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? मालदीव के साथ। आगे बढ़ते हैं, पोजनॉन एथलेटिक्स ग्रांप्री में हेमा दास ने कौन सा पदक हाल ही में जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है, 21वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैम्पियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ओडिशा में। तो 21वीं जो राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैम्पियनशिप है उसका आयोजन ओडिशा में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने किस देश के लिए 6 बिलियन डॉलर ऋण को मंजूरी दी है? पाकिस्तान के लिए। अगला है, नीति आयोग द्वारा जारी एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एंड फार्मर फ्रेंडली इंडेक्स में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? महाराष्ट्र को। आगे बढ़ते हैं, कोयले के अवैध खनन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य सरकार पर 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? मेघालय। अगला प्रश्न है, किस देश ने भारत को नाटो जैसा दर्जा देने से संबंधित विधेयक संसद में पारित किया है? अमेरिका ने। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान का कौन सा जैविक उद्यान हाथी सफारी की सौगात देने वाला राज्य का पहला जैविक उद्यान बन गया है? नाहरगढ़ जैविक उद्यान। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस व्यक्ति को बेस्ट एनोरेक्टल सर्जन ऑफ राजस्थान अवार्ड देकर सम्मानित किया गया है? तो वो है डॉक्टर दिनेश शाह को। अगला है, जूनियर नेशनल तैराकी चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले राजस्थान के पहले तैराक कौन बन गए हैं? लक्की अली खान। तो शुक्रिया दोस्तों, ये थे कुछ विशेष प्रश्न। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सभी मित्रों को शेयर करें।